का जो मरम जानता है उससे एकदम बचिए, सावधान रहिए, सावधान। अब देखिए, भक्त को कभी भगवान के बारे में ऐसी चर्चा नहीं करनी चाहिए कि हमारे सरकार की भगवत्ता ही उलझ जाए, सावधान। कभी भगवान का स्मरण लेकर किसी को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए और किसी को शाप नहीं देना चाहिए। हम लोग भगत इसलिए नहीं कि भगवान को 24 घंटा फंसाए रहो, ये कौन भक्ति है? जाओ जाओ, कहां जाओ जाओ। आपके भजन के प्रभाव तपस्या पुण्य को संग्रह करिए, बांटिए मत। ये चूरन नहीं है, चूरन जैसे बांटे रहिए। केवट भैया ने कितना सुंदर संभाला हो, कहते हैं चरण कमल रज कहूं सब कहिए, चरण कमल सब कहिए, मानुष कर छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन देन काठ कठिनाई, चरण की रज में कुछ कमाल है, कोई बूटी है ये। क्या हुआ? सब चरण के रज में ऐसा जड़ी कहते हैं, छुवत शिला भई नारी सुहाई। प्रातस्मणी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कितना प्रसन्न है केवट जी महाराज से कि उनको लगा मानस जी में हमने थोड़े ही लिखा, तो कवितावली में विस्तार दिए और लिखते हैं। केवट जी कहते हैं, प्रभु रावर दोषन पायन को पग धोरे को भोरे प्रभाव महाए, रावर दोषन को मल है जल खाई,
पावन पाए पथारी के नाव चढ़ाए हो आय सुहोत कहावे पावन पाए पथारी के नाव चढ़ाए हो आय सुहोत कहावे से सोने के बट के बल बना से प्रभु ज्ञान की ओर केवड़ जी कहते हैं प्रभु आप में दोष नहीं है, चरण की रज का प्रताप ऐसा है। वो तो पाथर था जो नारी बन गया, ऋषि जी ले गए। आइए तो पाहन ते बन बान काठ को कोमल जल खाई रहा, मेरी नैया तो जल में ही रहती है, ये कोमल हो गई। उसको तो स्पर्श के बाद समय भी लगा होगा, इसको कोई समय नहीं लगेगा। छुवत सुलाभ चिरा भई नारी सुहाई, आई तो छुवते हो जाई। देखिए भक्ति की पराकाष्ठा। केवड़ जी चाहते कहा है, अत बस चरण रज झोंक लें। जब जीव की श्रद्धा अतिशय पक जाती है तो उसके घर कोई संत महापुरुष उपस्थित हो, महाराज थोड़ा पांव पखार लें, अरे नहीं भैया बहुत ठंडी है गर्म पानी लाए। अतिशय श्रद्धा का परिणाम है पाद प्रक्षालन। आप कहेंगे महाराज पता कैसे चलता है, श्रद्धा व्यवहार में नहीं होती है, नेत्रों में होती है। एक प्रसंग देखिए कृष्णावतार का। बोलु द्वार पालक सुदामा नाम पाणे सुनी, छाड़ राज काज ऐसी जी की गति जाने को, द्वारिका के नाथ हाथ जोरि धाय गहे पाई। भगवान द्वारिकाधीश भगवान, जैसी तुम करी तैसी करे को दया के सिंधु, ऐसी प्रीत दिनन में दीन बंधो समान, ऐसे बिहाल बिवाइन में पुण्य कंटक जाल लगे पुण्यो, हाय महा दुख पाए सखा तुम आये इतन किते दिन को, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सोपग धोए, नैनन के जल सोपग धोए। ये अतिशय श्रद्धा का परिणाम। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।